नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीबीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए डिकोड एग्जाम ने आप सभी के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें 150 विभिन्न टॉपिक के जो भी महत्व विभिन्न सब्जेक्टों के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते थे उनकी कक्षाएं आपके लिए कराई, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई, जो कि आप आराम से अभी भी डिकोड एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। हर विषय की आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी, आराम से करिए, चीजें रिवाइज करते रहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो होती है सीसेट हुआ होता है कुछ विद्यार्थियों के लिए, तो उनमें भी जो मैथ रीजनिंग के सवाल होते हैं लगभग 40 प्रश्न आपसे हर बार पूछे जाते हैं, और 40 में से अगर आप पीवाईक्यू ही अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएंगे 3-4 बार, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे ये बात, मतलब कुछ सोच समझ के कह रहा हूंगा, पैटर्न रिपीट करता हुआ आपको हर पेपर में दिखाता हूं मैं, 12-15-20 सवाल तो आराम से पिछले वाले से आप आराम से सॉल्व कर लोगे अगर पिछला पैटर्न आपको पता है, पिछली चीजें आपने सॉल्व की हैं तो ठीक है। तो मेरा काम यही है आपको कि आपको ज्यादा से ज्यादा जितना मैं दे सकता हूं उतना देना है ना। आप यह कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीखें, अपने दोस्त मित्र मंडली के साथ साझा करें, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी आपके आ रखे हैं है ना, यूपीपीसीएस सीसेट में मैथ रीजनिंग के प्रश्न में आपको लगातार करा रहा हूं। आज हम 2017 के पीवाईक्यू मैथ रीजनिंग के करेंगे, अब तक हम 12 से लेके 16 तक के पीवाईक्यू कर चुके हैं, इसी चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो उनको जाकर विजिट कर सकते हैं, उनको जाकर देख सकते हैं। चलिए तो आज की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं है ना। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा कि डिकोड एग्जाम ने आरओ परीक्षा और एज वेल एज यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें कुल 9000 प्रश्न हैं। 9000 प्रश्न कैसे हैं, इसका एक महत्वपूर्ण डिवाइडेशन हमने किया है। इन 9000 प्रश्नों को हम तीन तरीकों से, 4000 प्रश्न 3000 और 2000, 4000, 3000 और 2000 प्रश्नों के माध्यम से हमने इनका डिवाइडेशन किया है। 4000 प्रश्न आपके 100 मिनी टेस्ट हैं 40-40 प्रश्नों के, 3000 प्रश्न में आपके आरओ के 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और 2000 प्रश्नों में 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको पीसीएस प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको सीसेट के मिल रहे हैं। तो एक समग्रता लिए हुए बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, इसमें पीडीएफ टेस्ट है, उनका पीडीएफ सॉल्यूशन है ना, साथ साथ इन 4000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन भी है, जो आपकी मदद करेगा यह देखने समझने में कि परीक्षा में प्रश्नों को हैंडल कैसे किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है। आप डिकोड एग्जाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से, जो प्ले स्टोर पर है, आराम से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की डिटेल्ड वीडियो भी इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसको आप देख सकते हैं है ना। बाकी कोई भी समस्या आ रही हो तो डिकोड एग्जाम के जो ऑफिशियल नंबर है आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल इससे रिलेटेड बता देंगे। उस टेस्ट सीरीज का कुल जमा प्राइस है 800 रुपए, ठीक है, तो आप आराम से इसको परचेस कीजिए, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। निसंदेह रूप से अगर आप इस टेस्ट सीरीज को पूरा लगा लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं 15 से 20 नंबर आप परीक्षा में आगे खड़े होंगे आज की स्थिति से, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्नों की। पहला प्रश्न, ये कथन निष्कर्ष वाले सवाल पेपर में आते ही हैं, इनको हल्के में ना लीजिएगा। कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, प्रत्येक पुस्तकालय की बात कर रहा है कि भाई प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, ठीक है, कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता, मतलब तो यही निकलता है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, तो कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता है ना। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होता है ऐसी उसने कोई बात नहीं कह रही, वो कह रहा है प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, मतलब कोई ऐसा पुस्तकालय नहीं होगा जहां पुस्तकें ना हो, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा फॉलो हो रहा है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं ऐसा उसने कहीं नहीं कहा है, कुछ पुस्तकालयों के पास पाठक नहीं होते हैं ये भी उसने नहीं कहा है। स्टेटमेंट वन निष्कर्ष के रूप में निकल सकता है, आपको जनरल मेंटल एबिलिटी लगानी है और निष्कर्ष तक पहुंचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, सामान्यतया नहीं करते हैं, इसका कारण क्या है, चांदी महंगी है, जबकि चांदी तो सुचालक होती है विद्युत का, लेकिन चांदी के तार बनाओगे क्या चाहते हो, घर पे सीबीआई ईडी की रेड पड़ जाए, नहीं, तो इसलिए चांदी के तार नहीं बनाते क्योंकि चांदी महंगी होती है। कारण क्या दिया है, चांदी कुचालक है, कारण गलत है लेकिन कथन सही है, हम देखेंगे ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपके जीएस के प्रश्न आते हैं,
कथन कारण वाले। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, दोनों के बीच में क्योंकि लगाओ। अभी यहां अगर कारण होता क्योंकि चांदी महंगी होती है, चांदी मूल्यवान धातु है, अगर ये लिखा होता तो हम मानते कि हाँ बिल्कुल सही है, इसीलिए चांदी के तार नहीं बनाते, तो हम लिखते कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए अगले अश्व आ जाते हैं। आधार वाक्यों के दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकल सकता है? तो ये मैं आपको लगातार कल भी 7-8 सवाल कराए थे, आज भी 2-3 हैं, मतलब कल से मतलब पिछले साल वाली क्लास में। सभी विमान चालक बहादुर व्यक्ति हैं, मतलब विमान चालकों की बात कर रहा है। विमान चालक क्या है? सभी विमान चालक कैसे हैं? बहादुर हैं। कैसे हैं? बहादुर हैं। अब ये एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर सकते हैं कि सभी विमान चालक और बहादुर हैं, तब भी तो बात सही रहेगी। दोनों तरीके से ये गोला बन सकता है। सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं, अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं, मतलब अंतरिक्ष यात्री इसके अंदर होंगे, विमान चालकों के अंदर अंतरिक्ष यात्री क्या है? विमान चालक है। या मैं एक तीसरा गोला और बना दूं कि सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं, ओवरलैप करते हुए भी बात सही होगी और ऐसे भी सही है। अब देखो, सभी विमान चालक अंतरिक्ष यात्री हैं, तो सभी विमान चालक अंतरिक्ष यात्री इसके हिसाब से नहीं है, कुछ विमान चालक बाहर है, मतलब स्टेटमेंट एक गलत, जबकि इसके हिसाब से है और मैंने आपको बताया एक में भी गलत, तो वो स्टेटमेंट गलत। सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति हैं, तो भाई अंतरिक्ष यात्री तो बहादुर होंगे ही, क्योंकि जब विमान चालक ही बहादुर हैं। यहां भी देख लो, यहां भी गोला फुलफिल है, तो ये सही हो जाएगा। कुछ अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति हैं, तो कुछ अंतरिक्ष यात्री बहादुर हैं लेकिन वहां तो सब हैं, तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा। कोई अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको ये सवाल करने हैं। आगे चलते हैं। घृणा जो है प्रेम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सृजन करना संबंधित है। भाई घृणा करना मतलब नफरत करना, प्रेम करना मतलब जो तुम करते हो, तो क्या हो गया? घृणा प्रेम अपोजिट हो गया। ऐसे ही सृजन करने का क्या होगा? विनाश करना, नष्ट करना, विनिष्ट करना, ऐसा कुछ। बनाने से नहीं, हटाने से, नष्ट करने से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है, जोड़ है, घटाव है, गुणन है, भिन्न है। तो ये वैसे भी भिन्न है और ये वैसे भी भिन्न है, है ना, दोनों तरफ से अलग है, क्योंकि जोड़, घटाव, गुणा और जो है भाग, ये चारों एक से होते हैं, भिन्न तो एक अलग चीज है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए। 5 घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, टन फिर 2 टन, ऐसे करके किसी समय एक साथ बजने के लिए कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी? देखो, ऐसे सवाल हो, हम 5 घंटे बाद मिलते हैं, 6 घंटे बाद मिलते हैं, 7 घंटे बाद मिलते हैं, फिर एक संग कब मिलेंगे, घंटियां एक साथ बज रही हूं, ऐसा हो, इनमें जो भी टाइम पीरियड है उनका एलसीएम ले लो। लो एलसीएम 3, 4, 5, 6, 7 एलसीएम लो, 2 से डिवाइड करो, 3 एलसीएम ऐसे लेते 2 × 2 = 4, 5 ऐसे ही 2 × 3 = 6, 7 ठीक, 2 से डिवाइड फिर करेंगे, 3, 1, 5, 3 और 7 3 से डिवाइड करो, है ना, आ जाएगा 1, 1, 5, 1, 7 फिर इन दोनों से डिवाइड करोगे तो ऐसे ही, तो इनका लासा क्या हो जाएगा, इन सबकी गुणनफल 2 × 2 = 4, 3 = 12, 5 = 60, 7 = 6, 7 = 42 या 7 × 42 यानी 420 जो है इनका लासा आ जाएगा। 420 सेकंड बाद, क्योंकि ये सेकंड है ना, तो 420 सेकंड बाद ये दोबारा से मिलेंगी, लेकिन वो आपसे किसमें पूछ रहा है, मिनट में, तो कर लो 60 से इसको भाग कर लो, 420/60 0 × 0 = 6 / 7 = 42 यानी 7 मिनट बाद वो घंटियां एक साथ बजेंगी। देखो कहां है 7 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 7 मिनट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। हमेशा याद रखो, सूर्योदय दिया है तो सूर्योदय किधर होता है? पूरब में होता है। ऐसे सवाल कई बार आते हैं, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाएं तरफ बनती है तो अजय किस दिशा में जा रहा है? देखो, अब इनकी परछाई किधर बनेगी? सूरज से इधर बनेगी, इसकी परछाई इधर बनेगी। ठीक, ये इसके लिए क्या होगा भाई? ये अगर घड़ी की सुई में इसको मान लूं तो घड़ी की सुई ऐसी घूमेगी, मतलब इसके लिए क्या होगा? दायां होगा। और ये ऐसे घड़ी की सुई चलेगी तो इसके लिए बायां होगा। अब ये क्या कह रहा है कि राज की परछाई उसके बाई तरफ बनती है, तो इनमें से कौन सा राज होगा जिसकी परछाई बाई तरफ बन रही है? मतलब ये हो गया राज। ठीक, तो पूछा है, और दूसरा हो गया अजय, दूसरा हो गया अजय। अब आपसे पूछ रहा है तो अजय किस दिशा में जा रहा है? अजय नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अजय किधर जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए।
90 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रतन पवन के दाएं 15वां है। देखो भाई टोटल आदमी कितने हैं, टोटल दिया है 90। क्या कह रहा है, रतन पवन के दाएं 15वां है, जो पवन के दाएं मतलब ये पवन बैठा है तो इसके दाएं कितना है, 15वां है। कौन? रतन, रतन ठीक है, यानी बीच में 14 लोग बैठे होंगे। बात क्लियर भाई, 14 लोग बीच में बैठे होंगे तभी तो 15वां हो गया, इसके दाएं 15वां है। जो बाएं से 40वें स्थान पर है, किसकी, पवन की बात हो रही है, रतन पवन के दाएं 15वां है, जो यानी कौन, पवन बाएं से 40वें स्थान पर है, मतलब पवन इधर से कितने पे है, 40वें पे। अब मैं कहूं ये इधर से कितने पे हो गया, 40 और 15 यानी 55वें स्थान पे हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। पंक्ति के दाईं ओर से रतन का स्थान क्या है, इधर से हमारी इसकी रैंक पूछी है तो मुझे फार्मूला पता है, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1 बराबर टोटल नंबर। ये फार्मूला होता है किसी की दाईं तरफ से रैंक, बाईं तरफ से रैंक, माइनस 1 बराबर टोटल नंबर। माइनस 1 क्यों, क्योंकि इसकी रैंक दो बार जुड़ गई, ये तो आदमी तो एक ही है तो एक घटती है, ठीक है। अब देख लो इसकी लेफ्ट रैंक कितनी है, हमसे दाईं वाली पूछी है ना, लेफ्ट रैंक कितनी हो गई रतन की, 55। 55 माइनस 1 प्लस आर बराबर टोटल कितना है, 90। 55 में से 1 घटा लो 54, 54 प्लस आर बराबर 90। राइट रैंक हो जाएगी आर बराबर 90 माइनस 54, मतलब 36 इसकी राइट से रैंक हो जाएगी। ये स्टेटमेंट, ये प्रश्न भी गलत था आपके जो है, इसको मूल्यांकन से बाहर किया गया था, 36 इसकी रैंक हो जाएगी, ठीक, ध्यान रखना 36। आगे चलते हैं, देखो स्टार भी लगा हुआ है। चलो यदि फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, सिंपल है, हमेशा याद रखो सामान्य साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक, मतलब 365 दिन होते हैं, 7 से भाग करोगे तो 52 सप्ताह और एक दिन आता है, एक दिन आता है, ठीक, ऐसे आता है 52 सप्ताह और एक दिन। अब जैसे होता क्या है, ये क्या होता है, देखो साल का पहला और लास्ट दिन समान होता है, कैसे, आज सोमवार है तो आठवां दिन क्या होगा, सोमवार होगा, क्योंकि सोमवार से रविवार तक 7 दिन पूरे हो गए, आठवां दिन सोमवार होगा। ऐसे ही 15वां दिन क्या होगा, 7 × 2 = 14 पूरे हो गए, वो भी ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही 52 सप्ताह वाला दिन क्या होगा, 52 सप्ताह के अगला दिन क्या होगा, सेम होगा, मतलब साल की शुरुआत में सोमवार है तो लास्ट में भी सोमवार होगा, अगर वो सामान्य साल है तो। अब मैं कहूं क्या सोमवार है और अगले साल इसी तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब एक साल पूरा जुड़ गया प्लस एक दिन और जुड़ गया, बात समझ रहे हो, जैसे 1 दिसंबर को सोमवार है तो 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा। अब मैं आपसे कहूं 1 जनवरी 2005 को ये दिन है तो 1 जनवरी 2006 मतलब एक दिन और जुड़ गया, मतलब अगर ये सोमवार है तो यहां मंगल होगा, बताओ बात समझ में आई कि नहीं, सर एकदम समझ में आ गई, अब इसको मिटा देता हूं, अब ये सवाल आपको करा देता हूं, देखो समझो, अब अगर सामान्य दिन है तो वो कह रहा है, सवाल में आपसे कहा गया 18 फरवरी 1997 को कौन सा दिन है, आपसे कह रहा है मंगलवार है। अब देखो 1998 कोई लीप ईयर नहीं आया, कौन सा दिन होगा, बुधवार, उसी दिन, ठीक है बुधवार होगा, एक दिन चेंज हो जाता है, नहीं समझ में आया याद कर लो, लीप ईयर में 2 दिन कूदते हैं, सामान्य दिन में, सामान्य साल में 1 दिन कूदते हैं। 1999 कोई लीप ईयर नहीं है, बृहस्पति होगा। 2000 में कौन सा दिन होगा, अब देखो 18 फेब 2000 को पूछ रहा है, अब यहां शुक्रवार ही होगा, क्यों, यद्यपि ये लीप ईयर है लेकिन 28-29 फरवरी तक तो हम पहुंचे ही नहीं, तो ये यहां शुक्रवार ही होगा, लेकिन अगर मैं 18 फेब 2001 की बात करूं तो यहां जो एक्स्ट्रा दिन हुआ फरवरी वाला वो काउंट होगा, और शुक्रवार के बाद शनिवार ना होके यहां रविवार होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन हमसे पूछा है 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोरों से 15वां है, लड़कों की संख्या क्या है, सिंपल है, दोनों छोरों लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1 बराबर टोटल, ये फॉर्मूला है, तो 15 इधर से है, 15 इधर से है, मतलब 30, लेकिन रवि को हमने दो बार गिन लिया क्योंकि इधर से भी 15 गिना, इधर से भी 15 गिना, मतलब एक बार घटा दो कि रवि तो एक ही है, तो 15 15 30 - 1 यानी 29वां उसका नंबर होगा, 29, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए किसी निश्चित कोड में इसको ये लिखा जाता है तो निम्नलिखित को इसको लिखा जा सकता है, देख लो क्या संबंध है, ए के बाद बी हो गया, जेके एल एम एन एक छोड़ दिया, फिर जेके एल एम एन
NO दो छोड़ दिए, अच्छा ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, फिर इसमें तीन छोड़े होंगे इस तरीके से, देख लो। D के बाद क्या आएगा, E, तो E है, D के बाद E, किस कोड के लिए ये लिखा जा सकता है, अच्छा उल्टा दिया है, A के बाद B, मतलब इससे कम वाला होगा C, ऐसे करके देख लोगे तो आंसर क्या आएगा ये। अब देख लो, सी के बाद डी हो गया, एल, एम छोड़ दिया, एन आ गया, ओ है ना, तो ओ के बाद जे के एल एम एन, ओ पी क्यू दो छोड़ दिए, आर आ गया, तो उसी हिसाब से ये मिल जाएगा आपको आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सरल होते हैं सवाल। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे में क्या करना है, या तो ऐसे कोई बैठा लो, ऐसे कुछ बैठ रहा है क्या, एक के बाद पांच, पांच से फिर कम हो गए, मतलब ऐसे नहीं बैठ रहा, फिर जो ऐसे बॉक्स होते हैं ना सामने सामने वाले उनमें बैठा लो। जैसे देखो ये देखो, एक और चार, या तो चार गुना है या फिर गुना तीन प्लस वन है। अब इन दोनों में देखो, गुना तीन प्लस वन पांच, तिया पंद्रह प्लस एक, इन दोनों में देखो गुना तीन प्लस वन बाईस, तिया छियासठ प्लस एक सड़सठ, ऐसे इसका क्या होगा, तीन तिया नौ और एक दस, इसका आंसर हो जाएगा। तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने की बात है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित तीन चित्रों का परीक्षण कीजिए तथा उनमें संख्याएं निश्चित पैटर्न में हैं, जैसे चार पांच छह, पांच छह सात, ऐसे है, अब आठ लेकिन यहां है नहीं, अच्छा फिर हमारे दिमाग में गया, अच्छा चार और ये पांच है, मतलब चार और छह दस होता है तो पांच है, सात पांच बारह होता है छह है, जोड़ लेंगे आठ छह चौदह होता है, मतलब यहां सात होना चाहिए, देखो क्या सात है क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे आपको सोच में आना चाहिए, सबसे पहले गुणा जोड़ घटाव इनका फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगाने चाहिए, ठीक है, उसके बाद उस तरीके से सोचा जाना चाहिए। ठीक, ये सवाल सिर्फ प्रैक्टिस से होंगे, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना लाभप्रद आपको मामला हो जाएगा। चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये बचेगा चार, ये बचेगा चार, लेकिन ये पांच है, ऐसा कोई संबंध नहीं हो पा रहा। अच्छा क्या मैं इनको जोड़ के देखूं, क्या इसका स्क्वायर हो सकता है क्या, और कुछ करके देखूं, आठ आठ जीरो ये हो जाएगा सोलह, और चार पांच नौ, सोलह नौ पच्चीस, अच्छा पच्चीस का पांच है, एक बात मुझे मिली, अब मैं इसमें भी ट्राई करता हूं, दस दस बीस नौ उनतीस सात छत्तीस, मिल गया छह, बस हो गया काम, पंद्रह चौदह उनतीस उनतीस बारह उनतीस दस उनतालीस और दो इकतालीस, इकतालीस और सात सत्ते होते हैं उनचास, मतलब आठ और जोड़ू मैं यहां तब ये उनचास होगा, तो आठ मैंने जोड़ दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे सरल तरीका यही है कि आप एक दो तीन चार पांच से मिलकर देखिए कितने हैं, तो सिंगल सिंगल वाले एक दो तीन चार पांच हुए, दो दो से मिलाओ तो ये दोनों मिल गए पांच छह, ये दोनों मिल गए सात, ये दोनों मिल गए आठ, ठीक, और कोई मिल रहा है आठ, ये मिल गए, फिर तीन तीन के मिलाओ, तो इस तरीके से इस वाली फिगर में टोटल बारह आएंगे। ठीक है, आठ के बाद एक ये हो जाएगा एक दो तीन नौ, फिर एक दो और तीन, एक और मिलेगा तीन वाला है ना, दस और फिर एक ये बड़ा वाला ग्यारह और फिर एक ये बारह, तो टोटल बारह ट्राइंगल इसमें होंगे ऑप्शन नंबर डी में। ये सवाल सबसे कठिन सवाल होते हैं, इनमें तुक्का मारना हो तो या तो सबसे लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट को तुक्का मार के आना चाहिए। चलिए, अधोलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें सबसे पहले क्या होगी, बिंदु होगा, बिंदु बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे, रेखा बनाएंगे, रेखा मिलके वृत्त बना सकती है, वृत्त से गोला बना सकते हैं, तो बिंदु यानी तीन सबसे पहले होना चाहिए, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तीन के बाद क्या होना चाहिए, एक, बिंदु मिलके बनाएंगे रेखा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट है, जैसे पाई चार्ट कैसे बनता है, गोले में हमने दिखा दिया 20% इस पे खर्च कर रहा है, 30% इस पे, इसको जो दंड चार्ट होता है उससे भी बना सकते हैं हम आसानी से, इस तरीके से बनाते हैं, तो आयताकार सोपान दंड आरेख यही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए, विरक्त और चर सतत, ये उसका सवाल आ गया आपका, इसको छोड़ते हैं। एक व्रत जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है, मतलब एक व्रत जिसका एक त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड होता है, विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है कि भाई ये 20% टेलीविजन पर खर्च करता है, को क्या कहा जाता है, इसको पाई चार्ट कहते हैं, अभी हमने देखा ही। तो देखो, दो सवाल सेम से दो सवाल आपको मिल गए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट के सवाल हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अधोलिखित कुड़ी है, बहुत बदतमीज प्रकृति का सवाल था, शैतान सवाल जिनको कहते हैं, बदतमीज प्रकृति के सवाल, क्योंकि आप इसमें ऐसे सोच ही नहीं सकते हो, है ना, आप लगाओगे कि जे का नंबर, फिर एफ, अच्छा कुछ ऐसे होगा ए, अच्छा कुछ आप गुणागार लगाओगे, लेकिन ये सवाल पता है क्या था, ये सवाल था जे फॉर जनवरी, एफ फॉर फरवरी, एम फॉर मार्च, ए फॉर अप्रैल, फिर तीन आपको निकालने थे, मई,
जून जुलाई MJJ ऑप्शन नंबर ए थोड़ा शैतान सवाल है, तो आप ये सारे एस्पेक्ट भी खुले रखोगे कि भाई जनवरी से दे दिया है ना, तो ये अगर सवाल रिपीट होता है तो आपका गलत ना हो, और ऐसे शैतान सवाल रिपीट होते हैं एग्जामिनर मजा लेने को रिपीट करता है। टेस्ट सीरीज में तो हर टेस्ट सीरीज इसको डालते हैं, हर कोचिंग वाले सवाल को डालते हैं। 2017 UPBCS का सवाल है। खैर चलिए आगे चलते हैं। यदि बी कहता है, बी भाई क्या कह रहे हैं, उसकी मां यानी बी की मां ए की मां की इकलौती एकमात्र पुत्री है, ए की मां हो गई इनकी एकमात्र पुत्री है, ठीक, तो ए बी से यानी बी क्या कहेगा ए को, अब एकमात्र पुत्री है मतलब ये पुत्र हो गया, तो ए क्या कहेगा बी को, बी क्या कहेगा जिसके पीछे से लगा हुआ हो वो ए को क्या कहेगा, वो कहेगा मामा जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए बी से किस प्रकार संबंधित है, मामा के रूप में संबंधित है। चलिए समानुभूति के लिए ये एथिक्स का सवाल आ गया, ठीक है छोड़ते हैं इसको। चलिए ये एक सवाल है, बढ़िया सवाल है ये, इस ये नहीं है, ये छह ऐसे है, यहां पे भी ऐसे लिखा होगा ऐसे है, ठीक। निम्नांकित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अब आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे, इनको हम कैसे लिख लेंगे, रूट दो को मैंने लिख लिया 2 की घात 1/2, अगला रूट तीन को मैंने लिख लिया 3 की घात 1/3, इसको लिख लिया 6 की घात 1/6, इसको लिख लिया 5 की घात 1/4, सिंपल। अब क्या करो आप, घातों की जो एलसीएम है नीचे का, इनका एलसीएम ले लो, 2, 3, 6, 4 का एलसीएम, बड़ी संख्या का देखो 6 × 2 = 12, 12 से सारे कट रहे हैं, 12 से इनके घातों में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 की घात 12/2 यानी 2 की घात 6, कोमा 3 की घात 12/3 यानी 3 की घात 4, 6 की घात 12/6 यानी 6 की घात 2, और 5 की घात 12/4 यानी 5 की घात 3। इन सब के मान निकाल लो, 2 की घात 6, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, इसका मान हो गया 64, 3 की घात 4, 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81, ठीक, 6 × 6 = 36, 5 × 25 = 125, देख लो आरोही क्रम में कह रहा है, मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन है ये 6 वाला, मतलब तीसरा वाला सबसे छोटा है, तो जिनमें 3 होगा वो होंगे, तीसरे के बाद कौन सा सबसे छोटा है, फिर है जी 64 यानी 1, तो 3 के बाद 1 किस में, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको पेपर में आएंगे और आपको इनको सॉल्व, अब आपको अगर ये पैटर्न पता है, अब कुछ भी दे दे घात लगा के, किसी की घात लगा के कुछ भी दे दे, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि इनको सॉल्व कैसे करना है, नहीं पता होगा तो आप ये सवाल छोड़ आओगे। तो PYQ का मेन उद्देश्य यही होता है कि आप पैटर्न एटलीस्ट सीखिए, सवाल किस पैटर्न पे आ रहे हैं वो आपको एटलीस्ट पता हो, ठीक है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल रिपीट होगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए कोई व्यक्ति 20 रुपए में 25 सेब की दर से खरीदता है, 25 सेब खरीद रहा है 20 रुपए में, ये हो गया कॉस्ट प्राइस CP, सेलिंग प्राइस क्या हो गया SP, क्या हो गया 25 रुपए में 20 सेब बेच रहा है, 20 सेब 25 रुपए में, ठीक। चलिए प्रतिशत लाभ क्या है, 25 सेब 20 रुपए में, माफ कीजिए 20 रुपए में 25 सेब यानी 20 रुपए के 25 सेब आए हैं, माफ कीजिए, तो एक सेब का मूल्य ऐसे आएगा और यहां 25 रुपए में 20 सेब बेच रहा है उसका मूल्य आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, इसको काटोगे 25 न जाने का दिया 0, 25 × 8 = 200 यानी 80 पैसे का खरीदा, और इसको काटोगे तो ये आएगा 1 × 20 = 40, बचे 20 × 25 = 100, 1/2 रुपए का बेचा, 80 पैसे का खरीदा 1/2 रुपए का बेचा, कितना फायदा हुआ 45 पैसे का फायदा हुआ, किस पे हुआ 80 पैसे पे, मतलब मोर देन 50% फायदा हुआ, पहले ऐसे ही चेक कर लो मोर देन 50 क्या है, ये है, काट के भी देख लो गुणा 100 काटोगे तब भी यही आंसर आएगा, ये कट गया 5 से काट लो, 5 × 5 = 5 और 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 5 से काटोगे 9, फिर 16 × 8 ये हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 25, फिर गुणा भाग करोगे तो आपका आंसर कुल मिला के 56.25% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 9 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हुई 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी, सिंपल है, चक्रवृद्धि ब्याज का रूल है, यानी 6 साल में 9 गुनी वो राशि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस समीकरण का एक गुणनखंड ये है, इस समीकरण का एक गुणनखंड ये है। गुणनखंड ये है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं x प्लस तीन यानी x बराबर माइनस तीन इस समीकरण में रख दूं तो समीकरण शून्य हो जानी चाहिए। रख के देखो, x बराबर माइनस तीन रखा तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा, तीन तीन नौ तीन सत्ताईस माइनस के सत्ताईस प्लस 2x स्क्वायर यानी 3 3 9 प्लस में ही रहेगा क्योंकि माइनस है तो यहां स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, 9 दुनी 18 प्लस, लेकिन ये क्योंकि अब माइनस हो जाएगा सिंगल है 3 3 9 तो यहां माइनस 9 और प्लस 8। देखो क्या ये जीरो हुआ क्या, 27 और 9 कितने हो गए, 27 और 9 हो गए 36 और 18 और 8 ये तो जीरो हुआ नहीं। इसमें रख के देखो x बराबर 2 रख के देखो क्योंकि x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, 2 ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 दुनी 4 दुनी 8 प्लस, ये सारे प्लस प्लस के होंगे तो कहां से हो जाएगा 3 दुनी 6 प्लस 8, क्या इनका मान 0 हुआ, नहीं। मतलब ना तो इसका गुणनखंड ये हो सकता है ना इसका गुणनखंड ये हो सकता है। आपसे पूछा है कौन सा सही है, ना तो एक ना दो, दोनों में से कोई सा सही नहीं है, विकल्प संख्या डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका सरलतम रूप क्या है, कुछ नहीं सॉल्व करना है, कर लीजिए, गुणा करोगे है ना। देखो इसको गुणा, ऐसे सवाल जितने हो ना अगर उनमें जीरो और एक दिया हो तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जीरो होता है, नहीं तो एक होता है, फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स प्लस वन गुणा, गुणा में उल्टे हो जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स क्यूब माइनस वन। ठीक, अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो ये एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन से प्लस वन कट जाएगा मतलब ऊपर एक्स माइनस वन रह जाएगा। फॉर्मूला खोलेंगे तो गुणा ऐसे ही नीचे, इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है ए स्क्वायर ए ए माइनस बी यानी x माइनस वन गुणा ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस ए बी यानी x ये आ जाएगा और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो दोनों डिजिट से दोनों डिजिट कट गई, मतलब एक इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, कम से कम चार पांच फॉर्मूले तो याद करी लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। समीकरण इसके मूल समान होंगे यदि r का मान है। देखो ये सवाल कैसे होगा, आपको दिया है समीकरण 9x स्क्वायर माइनस rx प्लस 81 बराबर 0, तो आदर्श द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपने 9-10 में पढ़ी होगी, बराबर 0 से तुलना करने पर अगर मूल समान है तो a इसमें ये हो जाएगा b बराबर माइनस r हो जाएगा और c बराबर 81 हो जाएगा इस समीकरण से इसका तुलना करने पर। मूल समान होने की कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4 ac is equal to 0 होगा। अब यहां b कितना है r स्क्वायर, माइनस 4ac बराबर 0 तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, r बराबर प्लस माइनस 54 हो जाएगा, यानी मूल r का मान कितना होना चाहिए, r का मान प्लस माइनस 54 होना चाहिए अगर इसके मूल हमें समान करने हैं तो। क्यों, क्योंकि हमने समीकरण से तुलना कर ली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ये बराबर 0 से, और इस समीकरण में मूल समान उसी स्थिति में होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो a b से तुलना करके मान हमने रख दिए, b की जगह r रख देंगे तो r का मान हमें पता चल जाएगा प्लस माइनस 54 r का मान आएगा। ये थोड़ा टफ सवाल है लेकिन आप ध्यान रखे रहोगे ऐसा सवाल को, इस सवाल को ध्यान से दो तीन बार प्रैक्टिस करे रहोगे तो अगर ऐसा सेम पैटर्न पे सवाल आ जाएगा, केवल आपके नंबर्स चेंज कर दे तो आप करने की स्थिति में होगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए यदि x प्लस वन बटे x बराबर तो इसका मान क्या होगा, देखो ये कह रहे हैं x प्लस वन, ये x प्लस वन बटे x होगा, एक मिनट, x प्लस वन बटे x बराबर 5 दिया है तो हमसे पूछा है x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का मान कितना होगा। सिंपल है, सॉल्व करोगे स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x का स्क्वायर प्लस 2 av होता है, 2 गुणा x गुणा 1 बटे x तो ये कट जाएगा 2 रह जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा ये बचेगा 23 है ना, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 23 हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से स्क्वायर कर दो तो x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 प्लस 2 गुणा x स्क्वायर गुणा 1 बटे x स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर करोगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है करके देख लो, नहीं याद है तो जैसे मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है तो 23 तिया 69 का 9 हो जाएगा और 23 दुनी 56 है ना, 23 दुनी 56 हो गए, नहीं
23 दूनी 46 हो गए, तो 46 और 6 कितना हो गया 52, 529 होता है। अब याद आ गया, 529 में से एक कट के दो इधर आके माइनस होगा, 527 बचेगा, यानी x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 बराबर 527 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 527। ठीक, चलिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक होती है। अब इसके लिए आपको नंबर सिस्टम की ये सब संख्याएं पता होना चाहिए, थोड़ा कठिन सवाल मैं मान सकता हूं। देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, संख्याएं जो भी अस्तित्व रखती हैं सारी वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय हो चाहे अपरिमेय, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, ऊपर वाले से देख लो, जब हम कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो फिर यह कैसे सही हो जाएगा कि वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी, है ना, यह जरूरी नहीं है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह बात बिल्कुल सही है, है ना, परिमेय अपरिमेय वास्तविक दोनों होती है, जरूर नहीं है कि वास्तविक भी हो, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, यानी 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें मत घुसो, परेशान हो जाओगे, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, बहुत डिटेलिंग है, है ना, आधा पौना घंटा चला जाएगा। फिर भी अगर आपको शौक है तो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कहीं से भी यूट्यूब से उठा के देख लेना, ये सारी कहानी किसी ने भी समझा रखी होगी। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं इतनी इतनी और इतनी हैं, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, ऐसा एक त्रिभुज संभव है। देखो, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं समान होंगी, हमें तीन भुजाएं दी हैं, x प्लस 1, ये और ये। अब हम इन दोनों में से किसी भी दो को बराबर करके देख लें, तो हमने x प्लस 1 और 9 माइनस x को बराबर किया, तो यहां से 2x, x का मान कितना आ गया 4, जब x का मान 4 आ गया तो हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, x प्लस 1 यानी 5, 9 माइनस x यानी 5 और 5x माइनस 3 यानी 17 होगी। लेकिन हमने दोबारा और दूसरी समीकरण से मान रखा कि हम इन दोनों को बराबर कर दें, 9x माइनस x बराबर 5 माइनस x, दो भुजाएं तो समान होंगी। अब जब इनको समान करा तो भुजाएं 2, 8, 2 आ गई, लेकिन त्रिभुज का एक फार्मूला होता है, दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां बात फिट नहीं बैठ रही है, 2 और 2 4 ही हुआ, यह भुजा 8 है, तो यह त्रिभुज ही पॉसिबल नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक ही त्रिभुज पॉसिबल होगा जिसकी भुजाएं 5, 5, 17 होंगी, यही इस पूरी कथा में लिखा हुआ है। तो कितना त्रिभुज होगा, 1। अब आपको इसके लिए ये फैक्ट, अब देखो ये पीछे किसी एक साल में और पूछा गया था, उसमें समबाहु त्रिभुज पे था, यहां समद्विबाहु त्रिभुज पे है, लेकिन यह बात अगर आपको याद रही होगी उन पीवाईक्यू से कि भाई किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा तभी वो त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं। तो आपको तीन अंक दे दे कि इनसे कितने त्रिभुज पॉसिबल है, तो देख लो किन किन का योग ज्यादा, ऐसे ही। ठीक, चलिए, ये सवाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, एक बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं 10 और 40 है, वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, बटे दो कर दो, सिंपल है, औसत की बात है, मध्य बिंदु, तो 10, 40, 50 बटे दो यानी 25 उसका मध्य बिंदु होगा, देख लो कहां है 25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सिंपल सवाल है, दो गोलों के पृष्ठों का क्षेत्रफल 9/4 है, तो उनके आयतन, अब गोलों का पृष्ठ क्या होता है, गोले का पृष्ठ होता है 4πr² ठीक है, तो गोले का पृष्ठ यानी मैंने कर लिया 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर का मान मुझे दिया है, ये मैंने उड़ा दिए, r1 और r2 के स्क्वायर का मान कितना दिया है 9/4 है ना। अब आपसे गोले का आयतन क्या होता है, अब मैं अगर r1/r2 यहां से निकाल लूं तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक, गोले के आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर 1 का क्यूब बटे 4/3 पाई आर 2 का क्यूब है ना, ये 4/3 पाई कट जाएंगे, आर 1 कितना है 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, यानी गोले के आयतनों का क्यूब कितना हो जाएगा 27:8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27:8, तो अगर आपको गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है 4πr² और आपको उनके आयतन का फॉर्मूला पता है 4/3 πr³, तो आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। चलिए, E की आयु S की आयु से दुगनी है, मतलब E की आयु जो है S की आयु से दुगनी है, E बराबर 2S, E की आयु S की आयु से दुगनी है। ठीक, उनकी आयु में अंतर ज्ञात करने के लिए कौन सी सूचनाएं पर्याप्त हैं, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:5 होगा, यानी 5 वर्ष पश्चात, यानी E प्लस 5 बराबर या बटे 2s प्लस 5 के, नहीं, E बटे
एस बराबर कितना है, 9/5 है। तो एक बात हमें यहां से पता चल जाएगी, ई का मान निकाल लूं मैं, ई का मान इसमें रख दूं, दोनों एस आ जाएंगे तो एस का मान पता चल जाएगा, यानी इससे पता चल जाएगा 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, वो भी बात यही है। तो यहां से भी मुझे पता चल जाएगा, मतलब दोनों में से किसी से भी मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, बात यही, ई माइनस ई प्लस 5 और एस प्लस 5 होगा, है ना। चलो तो उनसे मैं उसका अनुपात निकाल सकता हूं, तो यानो या तो एक या दो, दोनों में से एक भी कथन होगा तो मैं पूरा निकाल लूंगा, लेकिन हमें निकालना नहीं है, ज्यादा अंदर घर में नहीं घुसना है, गेट पे आके ही काम पूरा हो रहा है, ठीक, आनंद की प्राप्ति करते रहो। अगला सवाल देखते हैं, आज एक दो सवाल और हैं, 36 या हाँ दो ही सवाल और बचे हैं। चलिए, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, है ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। बापू कितने हैं, 9 गुने हैं, लल्ला है, लल्ला पाप पिताजी कितने हैं, 9 गुने हैं, और लल्ला की अम्मा कितनी है, 8 गुनी है, ठीक। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है, यानी 9x प्लस 8x बराबर कितना है, 51 है, ये कह रहा है, है ना। तो पुत्र की उम्र क्या है, ऑप्शन से करो, अगर 7 का मैं 9 गुना कर दूं, 7 ने 9 7 63, तो यही हो गए 51 है, मतलब नहीं होगा। 5 साल करूं तो 5 ने 45, तो ये हो गया 5 8 40, योग कितना हो जाएगा 85, नहीं होगा। 4 ने 36, 4 8 32, ये भी ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। 3 से देखो, 3 ने 27 प्लस 3 8 24, क्या आ गया 51, यस सर 27 और 24 51, यानी लल्ला की उम्र कितनी है, लल्ला की उम्र है 3 वर्ष 3 साल, ठीक। आज की सी सेट का अंतिम सवाल देखते हैं, 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा, 1 से 99 लिख लो, एक तरफ 5 आएगा, है ना, 5 6 10 तक कोई नहीं आएगा, फिर 11 12 13 14 15 आएगा, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, जिनमें 5 आ रहा है, 45 के बाद 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ऐसे ही करना पड़ेगा, 59 तक आएंगे, फिर 65 आएगा, फिर 65 के बाद 75, 75 के बाद 85, 85 के बाद 95, टोटल इतने नंबर आए। अब 3 से कौन कौन से विभाज्य हैं, तो 3 5 15 विभाज्य है, फिर 3 से ये नहीं विभाज्य होगा, ये विभाज्य है 3 से, फिर देखो 3 1 3 3 7 21, ये विभाज्य है 51, फिर 52, 3 से नहीं होगा, 3 के विभाजन का क्या नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है, देख लो 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, ये विभाज्य होगा 3 से, 5 5 10, 5 6 11, 5 7 12, ये विभाज्य होगा 3 से, ठीक है, 5 6 11, फिर 5 5 और 56 के बाद 56 57 58 है, अच्छा 8 5 13 59, 5 9 14 नहीं होगा, फिर 65, 6 और 5 11 नहीं होगा, 7 5 12, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, 8 5 13, 9 5 14, ये नहीं होगा। बचे हुए अंक देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंक बचे, यानी 13 14, एक कोई और बच रहा होगा 99 तक की संख्याओं में, एक कोई और बच रहा होगा, तो आप इनको थोड़ा और डिटेल में लिख के देख लेना एक बार, मे भी मुझसे कोई मिस हो गया हो, 13 या 14 इनमें से कोई आंसर होगा, ये इतने नंबर होंगे जो 3 से विभाज्य होने पर हट जाएंगे, बाकी नंबर रहेंगे, ठीक। चलिए तो इसको इस तरीके से ही आपको करना है, तो इस हिसाब से 2017 के सी सेट के जो प्रश्न थे उनको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, समझ लिया। आपको वीडियो क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और सी सेट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको जीएस पढ़ना है, तो जब भी टाइम मिला करें इन वीडियोज को देखते रहा करिए, अपनी मित्र मंडली को साझा करते रहा करिए कि यार मैथ रीजनिंग के प्रश्न 40 मिनट में करा देता है मास्टर 1 साल के, आराम से देख लो, 3 4 बार वीडियो घोट जाना, सी सेट के मैथ रीजनिंग के सवालों में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।